नमस्कार भाइयों, मेरा नाम चंचल मलिक है और आज हम आए हैं वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके कि जो काफ़ी लोगों के कॉल्स और मैसेज मेरे पास आ रहे थे कि भाई जो आपने लास्ट वीडियो बनाई थी 64.7 जो अतिरिक्त मुआवजा जो बेनिफिट किसानों का अतिरिक्त मुआवजा दिया जा रहा है उसके बारे में जो आपने पहले वीडियो बनाई थी उसका प्लीज़ आगे एक सेकेंड पार्ट और बना दीजिए, जिसमें पहले हमें कुछ चीज़ें क्लियर है, लोग क्लियर नहीं हो पा रही लोगों को और वो काफ़ी कॉल्स और मैसेज मेरे को कर रहे हैं। तो आज सभी किसान भाइयों का और उन अलॉटी और बिल्डर्स के लिए कि जो अभी तक काफ़ी कंफ्यूज में हैं कि भाई कि क्या होना है, और जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आया था, जजमेंट आया था जिसमें 64.7 का अतिरिक्त जो मुआवजा किसानों को देना है वो किस तरह से वितरण होगा और कैसे कैसे देना है किसानों को, और इसमें अलॉटी और बिल्डर के ऊपर कितना कितना बटन पड़ा है। तो इन सभी चीज़ों पर आज बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि सारी चीज़ आज क्लियर हो जाए सभी किसान भाइयों को और सभी अलॉटीज और बिल्डरों तक कि हाँ भाई कि ये चीज़ें इसमें करनी है, और ये जल्दी से जल्दी अगर ये सारी चीज़ें ख़त्म होगी तो आने वाले दिनों में आपको यहाँ पे आवासीय और जो भी इंडस्ट्रियल सभी चीज़ें कंप्लीट डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। तो आज बात कर लेते हैं 64.7 की। तो आपको पता है भाइयों कि कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक जजमेंट आया था जिसमें ये बोला गया था कि जो किसान हैं उनको 64.7 का अतिरिक्त मुआवजा दिया जाए और 15 दिन के अंदर ये सारी चीज़ करने के बाद जल्दी से जल्दी वहाँ पे जो भी स्कीम्स या जो भी डेवलपमेंट होना है वो जल्दी से जल्दी हो। तो मेरे पास काफ़ी भाइयों के कॉल्स आते हैं, किसान भाइयों के भी आते हैं, अलोटिसों के भी आते हैं, और काफ़ी लोगों के कॉल्स आते हैं और वो जानना चाहते हैं कि भाई हमें पूरी जानकारी एक बार दे दीजिए। तो मैं सभी भाइयों को बताना चाहूँगा कि यमुना प्राधिकरण की तरफ से अगर बात करें 31,000 आवासीय प्लॉट की स्कीम थी यमुना अथॉरिटी के अंदर, जिसमें सेक्टर 18, सेक्टर 20 और भी सेक्टर इसके अंदर लगे हुए। तो जो यमुना प्राधिकरण है उसकी जो सीमा जाती है वो आगरा तक इसकी सीमा जाती है यमुना प्राधिकरण की। तो मेरे पास जो काफ़ी कॉल्स आगरा साइड से भी आते हैं और लोकल से जो सेक्टर 18, सेक्टर के 20 के जो किसान हैं और थोड़े जो भी दूर दराज के किसान हैं उनके भी कॉल्स आते रहते हैं और कुछ अलोटिस के आते हैं। तो इसमें दो चीज़ें हैं, दोनों चीज़ों को मैं क्लियर कर देता हूँ। फर्स्ट कि इसका जो बटन गया है वो अलोटिस और बिल्डर के ऊपर गया है, और जो उनको इसमें इंटरेस्ट देना है या पेनल्टी जो लग रही है वो कितनी लगी गई है और कितनी देनी पड़ रही है, इसमें जो समथिंग अगर हम बात करें तो लगभग आपका 600 रुपये पर स्क्वायर मीटर का यहाँ पे अलोटीज़ को पेनल्टी देनी पड़ी है विद बिल्डर। जो भी बिल्डर हैं उनको भी यही पेनल्टी देनी पड़ रही है लगभग 600 रुपये पर स्क्वायर मीटर के। और जो अलोटीज़ पहले से ही ये चीज़ें दे चुके थे, अगर हम बात करें कि भाई जब ये कंप्लीट केस ख़त्म हुआ तो प्राधिकरण की तरफ से ये भी कहना था कि कुछ बिल्डर्स या कुछ अलोटीज पहले से ही पेमेंट कर चुके हैं। तो जो अलोटी और बिल्डर पहले ही पेमेंट कर चुके हैं उनको कोई भी पेनल्टी या कोई भी इंटरेस्ट इस चीज़ में नहीं देना है, उनके ऊपर कोई एक्स्ट्रा बटन नहीं जाएगा। ये उन बिल्डर्स और अलोटीज के लिए रहेगा जिन्होंने कोई भी पेमेंट नहीं करी थी। तो लगभग जो प्राधिकरण की तरफ से जो न्यूज़ हमें सुनने में आई है तो उसमें आया है कि कम से कम 600 रुपये पर स्क्वायर मीटर तक का आपके ऊपर बटन आएगा और ये आपके ऊपर ये जो पेनल्टी है ये आपको देखने को मिलेगी और जल्दी से जल्दी ये आपको जमा करनी पड़ेगी जो भी आपकी टोटल कैलकुलेशन इसके हिसाब से बनेगी। और दूसरी बात कर लेते हैं हम किसान की। तो किसान भाई जो मेरे को कॉल करते हैं वो जानना चाहते हैं कि हमें क्या इसका फ़ायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा और कहाँ तक मिलेगा। तो मैं सभी भाइयों को बताना चाहूँगा, अपने किसान भाइयों को, कि जो सेक्टर 18 जो सेक्टर 20 मतलब कि अगर हम बात करें जेवर तक, जो जेवर एयरपोर्ट बन रहा है और जेवर टोल टैक्स तक की अगर बात करें यमुना प्राधिकरण की तरफ से, तो यहाँ ये है कि यहाँ पे फाइल का काम चालू हो गया यमुना प्राधिकरण के अंदर और हर गांव की जो फाइल है उनको उन्होंने रेडी करना चालू कर दिया है, और आने वाले टाइम में वहाँ तक जो एक्स्ट्रा बेनिफिट देना था 64.7 का वो जल्दी ही वितरण होने लग जाएगा। और उम्मीद करेंगे कि प्राधिकरण की तरफ से कि वो 1 से 2 महीने के अंदर ये काम कंप्लीट भी कर लेंगे। तो आगे की तरफ अगर प्राधिकरण आगे मथुरा और आगरा तक अगर जाता है तो जल्दी ही वहाँ पे भी अगर ऐसी सिचुएशन है, प्राधिकरण की तरफ से ये बात अभी क्लियर नहीं हो पाई है कि मथुरा और आगरा और जो आगे के जो हमारे किसान भाई है वहाँ पे 64.7 का कब तक वितरण होगा और वो किस स्कीम दायरे के अंदर आएगा, तो वहाँ की अभी कोई अंदर से न्यूज़ पूरी निकल के नहीं आई है। जैसे ही वहाँ की अगर अंदर से कोई भी जानकारी हमारे पास तक आएगी तो तुरंत हम आपको वो जानकारी भी उपलब्ध कराएंगे और जल्दी उस पर भी वीडियो बनाएंगे। तो आज की जो ये वीडियो थी ये उस लिए थी कि जो ज़्यादातर हमें कॉल्स किसान भाइयों की और अलोटीज़ की आ रही थी कि भाई कितनी पेनल्टीज़ लग रही है और हमें किसान भाइयों को कितना इसमें फ़ायदा होने वाला है और कहाँ तक किसानों को फ़ायदा होने वाला है। तो उम्मीद ये है कि जल्दी से जल्दी यमुना प्राधिकरण सभी किसान भाइयों को और अलोटीज़ से जो भी उनसे एक पैनल
पेनल्टी लेनी है लेके वो किसानों तक पहुंचाई जाएगी और जल्दी से जल्दी यहाँ डेवलपमेंट देखने को मिलेगा और जल्दी किसानों को सारी चीज़ों का यहाँ पे जो भी डिस्प्यूट चल रहा है वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो उम्मीद करेंगे कि जो आज की जानकारी वो यहाँ पे कि भाई आप तक पूरी क्लियर होगी होगी कि कहाँ तक अभी ये मुआवजा या बेनिफिट्स कहाँ तक मिलने वाले हैं। तो आज की वीडियो को यहीं करेंगे समाप्त और जल्द मिलेंगे आपको एक नई वीडियो लेके। नमस्कार भाई।